तो गुड इवनिंग, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग आ जाइए। हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? बताइए, सभी लोग आ जाए जल्दी से। किस खेल से संबंधित थी? विजय भारत, तानिया श्रीवास्तव, शुभम रोजी, अर्चना पटेल, एंजेला बक्सटन। जल्दी बताइए किससे रिलेटेड थी ये? अरे आप लोग तो पता होगा ना किससे रिलेटेड थी। टेनिस से रिलेटेड थी। किससे थी? टेनिस से थी। चलिए, सुजाता स्वागत है आपका। सभी लोग आ जाइए जल्दी से। दिनेश कुमार चौधरी, तानिया, शुभम, विजय, रोजी यादव, पूजा कुमारी, अर्चना। आज तो सेशन हमने इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया, फिर भी आप लोग लेट आ रहे हैं। आज तो सेशन बेटा जल्दी स्टार्ट कर दिया हमने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग आ जाए। क्वेश्चन सबको दिख रहा है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? बताइए। आंसर बताइए। इंदिरा रसोई योजना, जाहिर सी बात है वहीं पे यूज शुरू की जाएगी जहां पर क्या रहेगा, कांग्रेस का गवर्नमेंट है ना। तो ये कहां पर है? राजस्थान। चलिए सब लोग आ जाइए। शिवानी, पवन कुमार, अंजलि सिंह, पिंकी यादव, सभी लोग आ जाएं। सभी का स्वागत है। हाल ही में गोपाल स्वामी इंजीनियर कस्तूरी गज का निधन हो गया, वह क्या थे प्रसिद्ध? ये मैंने बताया भी था, जल्दी बताइए। वह प्रसिद्ध क्या थे? जल्दी वह प्रसिद्ध थे क्रिकेटर। हाँ, आज जल्दी स्टार्ट कर दिए, मुझे लगा कि मुझे लेट हो रहा है। राहुल कुमार, पूजा झा, शिल्पी श्रीवास्तव, केशव कुमार, धर्मवीर, स्वागत है, सभी का स्वागत है। सुजाता, कुंदन, शिवानी, सोनम, भरद्वाज, करिश्मा, है ना। तो ये क्या थे? ये क्रिकेटर थे जो एक्सपायर कर गए, है ना, मात्र 86 वर्ष किए जब एक्सपायर कर गए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है, कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया? तो भाई एमपी वालों बधाई हो, एमपी वालों बधाई हो, जो भी एमपी के हैं, है ना। तो इंदौर क्या बन गया है? जल्दी बताइए, इंदौर क्या बन गया है?
सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। यस, तो आप लोग कभी इंदौर गए हो? कितने स्टूडेंट ऐसे हो जो इंदौर जा चुके हो? बहुत बढ़िया शहर है ना? इसको इसको एमपी का बॉम्बे भी बोलते हैं। चलिए सभी लोग फटाफट आ रहे हैं। चलिए ओके, अपराजिता सिन्हा स्वागत है। ऋतिक सिन्हा, अपराजिता कैसी है? बहुत दिन बाद आई है। कुमकुम मौर्या, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंदौर इज द राइट आंसर। यस, लास्ट पटना। लास्ट में पटना है, सही कह रहे हो विजय भारत। हम तुम्हारे दुख को समझ रहे हैं, है ना? हाल ही में किसने जागरूकता फैलाने के लिए वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स इंटरएक्टिव लॉन्च किया? बताइए, पांचवी का आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। ई वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स इंटरएक्टिव, हाल ही में किसने जागरूकता फैलाने के लिए ए वीडियो गेम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कोरोना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना? गो कोरोना गो। चलिए क्लियर है, सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? जल्दी बताइए, किसने शपथ लिया? जल्दी से आंसर दीजिए स्टूडेंट, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसके पहले कमला बेसरर थी, अभी कौन बन गया बताओ? अभी कौन बन गया है? कीथ रोवले का नाम सुना है तुम लोगों ने? इन भाई साहब का नाम सुना है? नाम नहीं सुना है तो सुन लो, यही बन गए हैं प्रधानमंत्री, है ना? अच्छा बताओ, ये दो कंट्री है कि एक कंट्री है? त्रिनिदाद और टोबैगो ये क्या है बताओ? दो कंट्री है कि एक कंट्री है? कौन बता रहा है? हाँ, एक कंट्री है, नाम से ऐसा लगता है कि दो कंट्री है। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, आई लीग ओबामा अस को लगातार तीनवीं बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तीसरी बार, वाह बहुत बढ़िया, जल्दी बता दो किस कहां पे, जल्दी से बताओ फटाफट। और यहां पे जितने भी देश लिखे हैं सब के बताना है कैपिटल। अब देखते हैं किसको किसको याद है यहाँ पर, जितने भी देश लिखे हैं सब के कैपिटल बताना है। रेडी हो क्या तुम लोग? रेडी हो? इसका तो आंसर आ गया होगा, रिपब्लिक ऑफ इक्विटोरियल गुयाना। अच्छा किसी का बता दो, मलेशिया क्या क्या बताओ? मलेशिया कैपिटल क्या है? गुयाना कैपिटल क्या है? हाँ देखो, मलेशिया के बताया कोलालंपुर, बोला हाँ। अब गुयाना की क्या है? गुयाना की माले है, वाह, मालदीव की माले है। खूब पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसे ही करो। हाँ देखो, ये मानसी बता दी, कॉन्क्री, बहुत बढ़िया मानसी, वेरी गुड, क्या बात।
रोशन मेहता स्वागत है। अनुराग शुक्ला कैसे हो बेटा? अनुराग अनुराग डेली आते हो तुम बेटा, बहुत बढ़िया। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर का नाम बताइए जो T20 मैच में 500 विकेट करने वाले पहले गेंदबाज बने। क्या तुम लोग को इनका नाम पता है? अगर नाम पता है तो पोलिंग में आंसर दो। और ये बहुत अच्छे डांसर भी हैं, क्रिकेट वगैरह देखते हो है ना? जब भी मौका मिलता है तो डांस जरूर करते हैं। अगर विकेट हाथ में लग गया तो डांस जरूर करेंगी है। नहीं बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रोजी यादव, मोनू मिश्रा कह रहे हैं कि सर क्रिकेट से क्वेश्चन मेरा जल्दी गलत नहीं होता है। हाँ सॉन्ग भी गाते हैं क्यों शर्मा जी? हाँ चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया। प्रतीक्षा, सुने हो प्रतीक्षा? हाल ही में किस राज्य ने प्रतीक्षा नाम की पहली पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की? लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया, क्या नाम बना लिया, बहुत अच्छे शर्मा जी, क्या नाम है तुम्हारा, बहुत अच्छे। चलो भाई एक कपिल शर्मा एक तुम है कि नहीं? चलो शर्मा नाम के बच्चे वैसे ही बहुत फेमस हो जाते कि नहीं? जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी से आंसर दो फटाक से। हाल ही में किस राज्य ने प्रतीक्षा नाम की पहली पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू की है ना? डेली स्टूडेंट रेफरल ले रहे हैं और आ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आ जाइए। 2 दिन के अंदर फीस बढ़ने वाली है, कल परसों में बढ़ जाएगी। हाँ अब आपको पता है ना, अभी भी फीस वही है, जल्दी सब लोग आ जाओ है ना। और 1 अक्टूबर से एकदम 8 महीने 10 महीने वाला कोर्स स्टार्ट होगा है ना, निश्चित हो जाओ। जो बीपीएससी और बीपीएसआई के, और 20,000 क्वेश्चन प्लस में आ जाएंगे, प्लस वाले लोग मौज है। हाँ ठीक है, तो जो बच्चे अभी भी आना चाहते हैं आ जाओ, फीस भी बढ़ने वाली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? इसका आंसर हो जाएगा केरला। प्रतीक्षा, हाल में किस राज्य ने प्रतीक्षा नाम की पहली, देखो मेरे को पहली बार स्टार्ट हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो गया बेटा ठीक है। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया? बताइए फटाफट, जल्दी से बताओ, मजा नहीं आ रहा है बच्चे, देखो कंपटीशन लगा हुआ एकदम, कंपटीशन पे आ जाओ हाँ तभी मजा आता है। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण, देखो कितने बच्चे देखते हैं, जैसे ही पोलिंग देखते हैं तुरंत पोलिंग में आंसर देते हैं है ना, 1 मिनट भी बिना देर किए कि नहीं? आप लोग देर वर नहीं करते हो। सोमा मंडल, नीबू स्वागत है, चलिए बहुत अच्छे। निशात थरंगा परमवीतान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित थे? कभी उनका नाम सुना तुम लोगों ने? नाम हम सुने हो बोलो। अरे इनका नाम हम सुने हो बोलो। एक मिनट बता, चलो बताओ।
ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि नहीं हो गया था? अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो गया था, ये वाला हो गया था ना, ये श्रीलंका कहेंगे, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। हाँ ये बताओ यार, ये मेरा, एक मिनट, नहीं हुआ था ना? अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, ये श्रीलंका होगा, ये इजी क्वेश्चन है, क्रिकेट के श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका के है कौन? ईशान श्रीलंका। हाँ चलो इसका भी पोल दे देंगे, इसका पोल दे देंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। दे देंगे इसका, बताओ क्या होगा? चलो ये वाला क्या क्या था आंसर? इसका आंसर क्या था? तीसरा था, 20,000 करोड़। कितना था? 20,000 करोड़। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार संचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री घोषणा की, जिसकी कीमत थी इतनी, 20,000 करोड़। प्रियंका रानी, स्वागत है प्रियंका रानी। प्रियंका रानी कैसी हैं, क्या हाल चाल है? सभी लोग आ जाइए, आज लग रहा है कुछ स्टाइलिश में जो है तुम लोगों ने नजर लगा दिया है ना, तो ये वर्क नहीं कर रहा है स्टाइलिश, तुम भी लोग लगाए हो नजर। चलो रुको, ये पेन वर्क नहीं कर रहा है, देख रहे हो? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट हटाओ, यही करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक व बोसमैन का निधन हो गया, वह डैश प्रसिद्ध थे, क्या प्रसिद्ध थे? जल्दी बताओ, 13वें का आंसर क्या होगा? शुभ कीर्ति गोस्वामी। हाँ एवेंजर का हीरो है अपना भाई, वाह कौन हीरो है? अरे मुझे भी बताओ कौन हीरो है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चैडविक है ना, तो चैडविक हीरो है नहीं, हीरो था, अब वो ऊपर गए, खत्म, कहानी खत्म। चैडविक व बोसमैन निधन हो गया, वह एक्टर थे। हाँ बहुत बुरा लगा, कोई बात नहीं बेटा, जो आता है उसको जाना ही होता है ना, ये जीवन सच्चाई है। चलिए इसलिए कहते हैं कि समय रहते इंसान को फायदा उठा लेना चाहिए, जैसे मैं अभी तुम लोग से कह रहा हूँ कि जल्दी से प्लस में आ जाओ, क्योंकि तो 1-2 दिन बाद क्या हो जाएगा, फीस 12-14 हजार हो जाएगी, है ना, तो मेरा रेफरल कोड यूज करके जल्दी से आ जाओ। विश्व जल निगरानी दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जल्दी बताइए। हाँ इसीलिए कह रहे हैं ना बेटा, क्योंकि अनएकेडमी कल या परसों से फीस, मैं तो कब से बोल रहा हूँ, क्यों मोनू मिश्रा, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं कब से 5 दिन से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ ये बात, इसीलिए कई बच्चे रेफरल लेते चले आ रहे हैं, डेली ले रहे हैं बच्चे रेफरल। भाई अभी आप 1 साल कर लोगे 6,000 के आसपास पड़ेगा, 6,300, यही अभी आप 2 दिन बाद लोगे 10,000 हो जाएगा, अब आपकी मर्जी है ना, आओगे बढ़िया फर्स्ट क्लास मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, है ना, करंट अफेयर्स, जीएस में एक से टीचर है, दिल्ली मुखर्जी जी की तरफ की पूरी टीम है, तो यहाँ पे 12, 14, 15 टीचर जो एक से एक प्लस के स्टूडेंट टीचर है, जो कि आपको इतना अच्छा सपोर्ट करेंगे, है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह, टेस्ट वगैरह दो। चलिए हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो, जितना 18 सितंबर इज द राइट आंसर, 18 सितंबर क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व
विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, फिल्म निदेशक बाबू सिवन का निधन हो गया, वह किस फिल्म उद्योग से जुड़े थे? जल्दी से बताइए फटाफट, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर देते। मोनू मिश्रा, सब लोग पोलिंग में आंसर दे रहे ना, सब लोग पोलिंग में आंसर दीजिए। पवन, पूजा कुमारी, मानसी, शुभम, आज कोई नया स्टूडेंट आया है? अरे विधायक जी तुम बहुत दिन बाद आए यार। शिवानी क्या हालचाल है? विधायक जी देखो आए हैं, और शुभम, शुभम सिंह, शिवम रॉक्स, कैसे हो शिवम? देखो शिवम भी आ गए। लो भाई मोनू तुम्हारा एक फ्रेंड और आ गया, शिवम भी आ गए। तमिल, तमिल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है ना, बाबू शिवम का नाम सुने थे कि नहीं सुने थे? अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा, अमन मिश्रा भी आ गए, अमन मिश्रा कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक वस्तुतः किस देश द्वारा आयोजित की गई? कल ब्लड रिलेशन की क्लास में तुम सभी लोग रहोगे, हाँ 11 बजे वाली क्लास में, प्लस वाली क्लास में, ठीक है, समझ में आ रहा है अमन मिश्रा? हाँ ब्लड रिलेशन की क्लास में आपका रहना अनिवार्य है। चलिए बताइए इसका आंसर, सुरक्षा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक वस्तुतः किस देश द्वारा आयोजित की गई थी? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर आ गया, क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय इस मीटिंग में राजनाथ सिंह जी को पोस्टर ऑफेंसिव था, हाँ पोस्टर, हाँ बहुत बढ़िया। अरे यार 223 बुला के नहीं जीतेगा, किसकी बात कर रहे हो, कौन जीतेगा? अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 का विषय कचरा मुक्त तट रेखा प्राप्त करना है, यह को मनाया जाता है, कब मनाते हैं बताओ, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी लोग, कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? इस पर हमने बात भी किया था, चर्चा भी किया था, याद है किसी को, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2020 पर चर्चा हुआ था। अरे भाई अभी बताया था मैंने, 3 दिन से 4 दिन पहले, आप लोग को याद है कि आप लोग भूल गए, पहले ये बताओ। चार्जिंग, कब था डेट, जल्दी बताओ, फिर ऐसे नहीं माना जाएगा, बताओ, थर्ड सैटरडे इन द सितंबर, याद आया, भूल गए ना, याददाश्त तुम लोग की अच्छी नहीं है दोस्त। हाँ चलो बहुत बढ़िया, मतलब कि याददाश्त अच्छी है, अब तब सही है, तब सही। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली, जल्दी बताइए 18 का। अरुण,
अरुण आज नए स्टूडेंट आए हैं, दिनेश कुमार चौधरी भी फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ, सोनम भरद्वाज भरद्वाज तो आती हैं, शुभ कीर्ति नए स्टूडेंट, तो दो चार बच्चे नए आए हैं आज। चलिए भाई बहुत बढ़िया। पोषण डे कब होता है? 25 सितंबर है। और जल दिवस कब होता है? 22 मार्च। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, कर्नाटका। एक बार मैं स्पेशल क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने कहा मुझसे, सुनो, एक स्टूडेंट कहा कि सर आज मेरा पहला दिन है, वो डेली आता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा रोज पहला दिन रहता है? तो कहता है कि सर जब भी जागो तभी सवेरा, तो हर दिन पहला दिन होता ठीक है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लिया? कर्नाटका, है ना। तो हर दिन ऐसा जियो कि क्या हो, पहला दिन हो। चलो, और अपना काम 100% हर दिन ऐसा करो कि आखिरी दिन हो। क्यों? जिंदगी ऐसे जियो कि 1000 साल जीना हो, और काम ऐसा करो बेस्ट कि आज आखिरी दिन हो, तभी तो जिंदगी का मजा आ जाएगा दोस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया? ये तो भाई हमने बताया था, है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। यूपी की बिहार? कहां पर? यूपी की बिहार बताइए शर्मा जी, यूपी की बिहार, यूपी। देखो तुमको याद हो गया ना, मेरी क्लास में रह रह करके करंट अफेयर्स तुम अच्छी कर ली हो। क्यों मोनू मिश्रा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ जिस बच्चे का, तुम जान लो फिर बेटा, हम कंप्यूटर के अंदर से नहीं आ सकते। हाँ, सिलेक्शन होना जरूरी है, जान लो। चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है बताओ, पहले कोई बताएगा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी। गेहूं होती है यार, राइस कहाँ होती है? और राइस सबसे अधिक कहाँ होता है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति के संस्करण घोषणा की है, शीर्षक है अ प्रॉमिस लैंड, जिसे नवंबर 2020 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा? अभी कल ही बताया था मैंने इसको, किसी को याद है? कल ही मैंने बताया था, तुम लोग भूल चुके हो लग रहा है। कल कौन कौन आया था जल्दी बताओ, ईमानदारी से। कल कौन कौन आया था? जो जो आया था उसको सबको याद होगा। कौन कौन आया था विद्यार्थियों, अपना नाम बताइए। 25 भाषाओं में, है ना। यस, बहुत बढ़िया। मानसी गर्ग नंबर 1 पे, विजय भारत देखो तुम नंबर 2 पे आ गए हो। शर्मा जी तुम 3 पे क्यों हो बताओ, पहले क्या रीजन बताओ, क्यों नहीं पोलिंग में आंसर दे रहे हो? क्या नेटवर्क की परेशानी है बताओ, बोलो। शुभम सिंह तुम नंबर 4 पे, बहुत बढ़िया। पूजा कुमारी, पूजा कुमारी बहुत बढ़िया। पवन कुमार बहुत अच्छे। विधायक दोता, तुम विधायक हो गए, तुम 7वें नंबर पे हो, तुम्हें पहले नंबर पे होना चाहिए था ना। फिर मोनू मिश्रा, सुजाता और अपराजिता, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, नेट इश्यू है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मौका मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 174 देशों के बीच भारत की क्या रैंक है, जल्दी से बताइए फटाफट। पांच क्वेश्चन छूट गया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, तुम सब भी अमेरिका के वासी हो? अरे मेरे प्यारे भाइयों, आप सब भारतवासी हैं और ये एग्जाम भारत में ही करवाया जाता है, तो आप लोग वो आंसर देना चाहिए, है ना? आप लोग केवल मेरी शक्ल देखते हो, है ना? अरे आंसर पोलिंग में दो, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 116, ठीक है? यस, 116वीं रहेंगे, नंबर वन पे डेनमार्क है। सुनो, पांच देश ऐसे होते हैं जो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में क्या है, सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है। जैसे तुम्हारा हुआ स्वीडन, हुआ स्वीडन, है ना, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, सबसे खुशहाल देश है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अपराजिता, बहुत अच्छे। विकास कुमार, स्वागत है विकास कुमार। अरे तुम लोग प्लस में आ जाओ बेटा, मजा आ जाए। अब फीस बढ़ने के बाद आओगे तो मजा नहीं आएगा ना, डेली बच्चे आते हैं। तुम लोग भी आ जाओ प्लस में, तो एकदम फिर पूछो मत, कंपटीशन हो जाए, डेली होमवर्क दे तुम लोग को, है ना? हाँ चलो, 22वां क्वेश्चन। लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर, विक्रांत कुमार, कैसे हो भाई विक्रांत, सूची क्या हाल चाल है? लोकसभा में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उन भाषाओं में से नहीं है जिनका उद्देश्य राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाना है? बताइए। 22वें का आंसर दीजिए। सरस्वती कुमारी, स्वागत है सरस्वती। सम्मेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। हाँ बताइए भाई। पास्थो, पास्थो आधिकारिक भाषा, नाम सुना तुम लोगों ने? तुम लोग ने पास्थो का नाम सुना था? पहले ये बताओ, इसका नाम सुने हो पास्थो का? पास्थो, चलो ओके, बहुत बढ़िया। राइटिंग पता नहीं चल रहा है इसलिए बेटा ना, कि थोड़ा सा मुझे बड़ा लिखना पड़ेगा, ये इस कर्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी तुम्हें पता चलेगा ये कर्सर की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है? इसमें कुछ मैजिक हो गया है। हाँ ठीक है, लिखना पड़ेगा मुझे। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, सोमालिया की मुद्रा क्या है? बताइए भाई, 23वें का क्या हो जाएगा? बताइए। सोमालिया की मुद्रा क्या है, जल्दी बताइए, कौन बता रहा है? सीलिंग, क्या है? सीलिंग, बहुत डेंजरस कंट्री है ना, बहुत खतरनाक देश है ये, एकदम सही बताया हो तुम लोग, है ना? क्यों खतरनाक है बताओ, खतरनाक क्यों है, वजह बताओ, रीजन बताइए। सोमालिया एक खतरनाक देश है, क्यों? अफ्रीका कंटिनेंट का, हाँ बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब देखो अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए किस देश को बजटीय समर्थन के रूप में 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है? अच्छा शर्मा जी परेशान रहते हैं कि सर जल्दी से पोलिंग करवा दे, हम नंबर वन पे आ जाए।
यही बात है ना, बताओ। अच्छा क्यों शर्मा, बात यही है ना बेटा। अरे कोई बात नहीं बेटा, नॉलेज है तुम्हारे पास है ना। हाँ परेशान मत हो, हमको पता है तुम्हारे पास नॉलेज है। अरे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, मालदीव होगा बेटा। सूडान गलत हो गया, मालदीव होगा, मालदीव होगा। ये तो कभी, ये तो हमने कल ही पढ़ाया था, ये याद है, ये तो हमने कल ही पढ़ाया था। हाँ अरे ये तो हमने कल ही पढ़ाया था, मुझे भी याद आ गया, कल ही मैंने पढ़ाया था। ठीक है चलो अगला देखो। हाल ही में नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके। आयुष मंत्री कौन है बताओ? आई रीड सर, यस इसको भी मैंने बताया था, याद है किसी को? याद है? अभी कोई ये नहीं बोलेगा कि सर नहीं बताए थे, अगर कोई बोला तो खैरियत नहीं है, हमने बताया था इसको। हाँ हमने बताया था इसको, क्या था नाम बताओ जल्दी से। इनका वो नाम ही लग रहा है आयुष मंत्री है ना, देखो नाम भी लग रहा है श्रीपद यसो नायक, ऐसे लग रहा है किसी ऋषि का नाम हो, है ना, नाम लग रहा है ऐसे लग रहा है किसी ऋषि का नाम हो। हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14,258 रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? 26वें का आंसर सभी लोग। चलो इसी पर एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ ही लिया जाए, है ना? चलो फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है इस समय? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके, बिहार के वासियों, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? अभी करंट पॉपुलेशन देखते कौन बताता है। बिहार में चुनाव कब हो रहा है? बहुत बढ़िया, समथिंग 11 करोड़ के आसपास ना, नवंबर में चुनाव है। ठीक। अब ये नहीं पूछेंगे तुमसे हम कि चुनाव में कौन जीत रहा है, तुम लोग फिर बताना स्टार्ट कर दोगे तो फिर रुकोगे नहीं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे, हम आगे चल रहे हैं। हाँ अब हम ज्यादा नहीं पूछेंगे, चलो हम जानते तुम लोग बहुत ज्ञानी हो। बैंकिंग और वित्त में अनुभव वाले निवासी व्यक्ति पेशेवर छोटे वित्त बैंक स्थापित करने के पात्र होंगे? 27वें का आंसर दीजिए। 27वें का आंसर क्या होगा बेटा? 27वें का आंसर बताइए सभी लोग। साल, एकदम सही आंसर। 10 नवंबर रिजल्ट आएगा।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाल ही में आसिमी गोइता को किस देश के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ये भी बताया था मैंने, नहीं बताया था, बताया कि नहीं बताया था, जल्दी बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। कितने वोटर हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,000,000। हाँ बिल्कुल सही बात है। अमरजीत आनंद, स्वागत है बेटा आपका। चलो देखो, मेरे प्लस वाले स्टूडेंट देख रहे हैं सब, देखो सब बने हुए हैं लाइन से, नंबर 1, नंबर 2 पे, नंबर 3 पर। नरेंद्र मोदी आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें आईजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए। अक्टूबर से तुम लोगों को बहुत मेहनत करनी है प्लस वाले बच्चों, है ना? हाँ मेहनत इसलिए करनी है कि तुम्हारा वर्क ज्यादा हो जाएगा, वर्क ठीक है। हाँ जीएस में 5,000, 6,000 कुछ ऐसा मटेरियल हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो ना एकेडमी तो 20,000 कर रही है कि आप लोग को जो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, ठीक है। प्लस वाले बच्चे जानते ही हैं कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तो उसको और अच्छा किया जाए क्योंकि फीस बढ़ने वाली है, तो इस पर भी ध्यान देना है ना। कल फीस बढ़ जाएगी, कल या संभवतः परसों तक फीस बढ़ जाएगी, आप लोग देखिएगा अपडेट हो जाएगा, फीस नई फीस आ जाएगी। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहला अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल जी को। यस अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की? जल्दी बताइए। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मुझे सरप्राइज क्या है बताओ, गेस करो सरप्राइज क्या है? सोचो क्या है बताओ, गेस करो। पार्टी किस बार, ये ऐसी पार्टी कौन सी होती है, पार्टी वर्चुअल पार्टी कौन सी पार्टी होती है, वर्चुअल पार्टी होती है क्या? हाँ अच्छा सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनो, पार्टी वर्चुअल पार्टी नहीं, अरे सुन तो लो मेरे प्यारे बच्चों, आज 34 क्वेश्चन है, यही सरप्राइज था, ठीक है, डेली 30 होता था। चलो 21वां क्वेश्चन। हर साल अंतरराष्ट्रीय पंडाल दिवस लाल पांडा संरक्षण मुद्दों के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्थन करने के लिए को मनाया जाता है? पांडा डे जानते हो ना, जल्दी बताओ। चलो क्या कह रहे हो, ये हुआ था, हाँ ये करवाए थे मुझे याद है, ये भी मैंने करवाया था। इसका डेट क्या था? इसका डेट था सेम, 3rd सैटरडे इन द सितंबर, यस सेम था। अनामिका कुमारी स्वागत है। अब सर विनर के लिए ऑनलाइन चाय नहीं दे रहे? अरे ऐसी बात तुम बोल रहे हो, मैं प्लस में देता हूँ हमेशा। हाँ। चलिए, महिलाओं के एकल में सिमोना हालेप ने अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीता।
गीता वो किस देश से संबंधित है? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। ये भी मैंने बताया था, सिमोना हालेप। याद आया किसी को मैंने बताया था? इटैलियन किताब जीता था। किसी को याद आया? रोमानिया। अगला है, पुरुष सिंगल इटालियन ओपन खिताब किस, ये इटालियन है। ये बताओ, सर्बिया। हाँ बिल्कुल सही बात, लेकिन है कौन, नाम तो बताओ महानुभाव का। विकास देवराज, स्वागत है। हाँ अच्छा, इनमें से तुम लोगों ने किसका किसका नाम सुना है? इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने हराया किसको था? इन्हीं को हराया था, डिओगो स्वार्ट्जमैन को। इनको हरा करके जीत लिए थे। वैसे भी नोवाक जोकोविच बहुत विनर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम मैचों में भी विनर रहते हैं। क्यों भाई, फेमस है ना ये। आपको क्या लगता है कि टेनिस में पैसा नहीं है? कितने स्टूडेंट ऐसे जिनको लगता है कि क्रिकेट में सबसे अधिक पैसा है? ऐसा कुछ नहीं है, सबसे अधिक पैसा इसमें नहीं है। सबसे अधिक पैसा उसमें होता है जिसमें जिसका मैच पूरे वर्ल्ड में होता है। फुटबॉल 200 देश खेलते हैं, क्रिकेट तो केवल 15-20 देश खेलते हैं। गोल्फ, यस, और किसमें होता है बताओ? गोल्फ होता है और किसमें होता है? फुटबॉल हो गया, और बताओ। हाँ फुटबॉल में भी पैसा है, बिल्कुल सही बात है। हाँ ठीक। अरे मैं समझ गया, तुम लोग पैसे की बात कर दी है तो यार तुम लोग एकदम चलो, हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जल्दी बताओ। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? हाँ म्यांमार। हाँ सूरज कुमार, स्वागत है। सूरज लेट हो गया बेटा, अब तो सेशन खत्म होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? कनाडा। अरे जेफ बेजोस तो अमीर आदमी है भाई, मैंने स्पोर्ट्स पर्सन पूछा है, वो तो अमेजन के ऑनर है, मुझे पता है। ब्राजील के हैं नेमार, फुटबॉलर। सच में तुमने देखा, चेक किया कि ऐसे ही बोल रहे हो? चेक किए हो कि ऐसे ही बोल रहे हो, बताओ पहले। चलो ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। बस बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको भी आना है प्लस में, मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, चाहे अभी आओ चाहे बाद में आओ, लेकिन इस मंथ के लास्ट तक आ जाना, है ना। क्यों आ जाओगे ना? जितने स्टूडेंट आना, मेरा रेफरल कोड यूज कर लेना, ठीक है। हाँ जब भी प्लस में आओगे डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा, और क्रेडिट अप्लाई कर लेना तो 10% से ज्यादा मिल जाएगा, 15% तक, 20% तक क्रेडिट रिडीम कर लेना। मान लो 500-600 आया होगा, ठीक है भाई। और 1 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 1 बजे की क्लास में क्यों नहीं आते हो? पहले मुझसे बात तो करो, 1 से 2 पे क्यों नहीं आते हो? तुम लोग की क्लास रखे है ना, कल सब लोग आओगे, प्रॉमिस करो। कल से 1 से 2 पे रीजनिंग की क्लास में जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग आएंगे, प्रॉमिस, सभी लोग आएंगे 1 से 2 पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पे। बोलो भाई। हाँ
इंटरेस्ट लिया करो, दिमाग तेज होता है उससे। फिर हुआ अपराजिता, स्कूल कौन चल रहा है इस समय? सारे सारे स्कूल तो बंद चल रहे हैं। सुलबुल कुमारी स्वागत है बेटा, सेशन तो खत्म हो गया है, 1 से 2 पे आप आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा स्कूल खुल गया है, ओके ओके चल ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके सभी बच्चे प्लस में आए, मैं वेट कर रहा हूँ है ना, कि इस हफ्ते कौन कौन आ रहा है नेक्स्ट वीक से, तो मंडे से, तो ये मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा जब भी आप प्लस में आइए, ठीक है ना? मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का कि आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि फीस बढ़ने वाली है, फीस जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है भाई? एक आपको माइंड मेकअप बता रहे हैं कि फीस बढ़ जाएगी, अभी 1 साल का 6,000 के आसपास हो जाएगा मेरे रेफरल डिस्काउंट के बाद, 7,000 है, 6,000 के आसपास हो जाएगा, 6,300 है क्रेडिट रिडीम ऑफ अप्रूव करके 6,000 के आसपास है ना। जितनी जल्दी हो सके आप लोग रेफरल कोड ले लेंगे मेरा, ये रेफरल कोड मेरा है AKS9025 बिना गैप के, ठीक? चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।